हेलो एवरीवन, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ इक्वेशन के पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, वो ये है। 40 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, एक 40 केवीए का सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसके की पास विच हैज़ 400 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 100 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। The primary is connected to 2000 volt. Primary 2000 volt से connected है 50 hertz supply से. Then determine the secondary voltage on open circuit. Secondary voltage निकालना है. The current flowing through the two windings on full load. Current flowing through the two windings में जो current flow हो रहा है वो हमें निकालना है. And the maximum value of flux. तो हम सबसे पहले देखें हमें given क्या क्या है. हमें सबसे पहले हम देखें तो हमें गिवन है 400 केवीए। दिस इज द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हमें गिवन है रेटिंग इज 400 के सॉरी 40 केवी सॉरी हमें जो गिवन है वो है 40 केवी। तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है हमारी 40 केवीए। दूसरी चीज हमें गिवन है टर्न्स। ट्रांसफॉर्मर हैज 400 टर्न्स ऑन द प्राइमरी। प्राइमरी के टर्न्स को हम N1 से देते हैं, तो N1 इज इक्वल टू 400 गिवन है। N2 इज इक्वल टू 100 टर्न्स गिवन है। और एक चीज हमें गिवन है कि द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 2000 वोल्ट, मींस V1 इज इक्वल टू हमको गिवन है 2000 वोल्ट प्राइमरी सप्लाई। और फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। तो इतनी क्वांटिटीज हमें क्या है गिवन है। अब हमें सबसे पहले निकालना है द सेकेंडरी वोल्टेज ऑन ओपन सर्किटेड। तो सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे E2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो वी हैव टू कैलकुलेट द E2। E2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N2 अपॉन N1 इंटू E1। अब चूंकि हमें नो लोड पे निकालना है तो वी कैन एज्यूम कि जो हमें V1 दिया है इट इज इक्वल टू द E1 है। E2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास N2 इज 100, N1 जो हमें गिवन था 400 और E1 है हमारे पास 2000, ओके। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट, इसको आप निकाल लो, ये जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 4 1s are 4, 4 5s are 20 एंड 500। तो यू विल गेट E2 इज इक्वल टू 500। ये पहला टर्म हमारा आ गया। सेकेंड हमको कैलकुलेट करना है द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू वाइंडिंग्स ऑन फुल लोड, मींस हमें करंट्स की वैल्यू निकालनी है I1 एंड I2 की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर I1 एंड I2 हमें जो गिवन है वो गिवन है आपको रेटिंग गिवन है। रेटिंग हमारी है 40 केवीए। तो इससे हम करंट निकाल सकते हैं। तो प्राइमरी करंट क्या होगा, I1। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो हमारा केवीए गिवन है वो इनटू 1000 डिवाइड बाय V1।
के मतलब किलो, किलो वोल्ट एम्पियर, तो किलो वोल्ट एम्पियर मतलब 40, किलो के लिए हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय V1 है हमारा 2000, तो ये हमारा आ जाएगा 20 एम्पियर्स। दूसरा हमें निकालना है I2। I2 के लिए भी हम सिमिलर करेंगे, KVA जो हमारी रेटिंग है वो इन 2000 डिवाइड बाय, अब इसके लिए हम V2 ले लेंगे, तो दैट इज 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय V2 जो है हमारा वो है, हमने कैलकुलेट किया था 500। यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी 80 एम्पीयर्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पोर्शन आ गया। अब थर्ड हमें निकालना है, व्हाट इज द थर्ड, थर्ड हमें कैलकुलेट करना था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द फाइव मैक्सिमम। अब फाइव मैक्सिमम के लिए हम ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे, जो कि हमें पता है लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ईएमएफ इक्वेशन डेराइव कराई थी। तो हम लेट्स प्राइमरी साइड का ईएमएफ जो है ई1 से हमने दिया है, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4.44 इंटू F इंटू फाइव एम इंटू N1। दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। E1 है हमारा 2000 इक्वल टू 4.44 F, F हमारा 50 हर्ट्ज से, फाइव एम ये हमें कैलकुलेट करना है, इनटू N1, N1 हमारा 400 है, तो यहाँ से हम फाइव एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, विच वुड बी 2000 डिवाइड बाय 4.44 इंटू 50 इंटू 400। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5m इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0.0225 वेबर। तो इस तरीके से हमने तीनों पोर्शन हमारे क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नो लोड रेशियो रिक्वायर्ड इन अ सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर इज 6600 बाय 600 वोल्ट इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर इज 0.08 वेबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग। मीन्स हमें यहाँ निकालना है N1 एंड N2 कैलकुलेट करना है। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है दिस इज द, जब भी ट्रांसफॉर्मर का कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें इसी तरीके से वोल्टेज रेटिंग्स गिवन होती है। अब यदि ये गिवन है 6600 बाय 600 वोल्ट, इट मींस ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज होता है एंड ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है। डोंट बी कंफ्यूज कि ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो गिवन है, ये आपको गिवन होता है जो इस तरफ वाली जो वैल्यू होती है ये प्राइमरी साइड को इंडिकेट करती है और ये वाली जो वैल्यू या जो वोल्टेज होता है वो सेकेंडरी साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो V1 है वो 6600 होगा और जो V2 है वो आपका 600 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से V1 एंड V2 हमें गिवन है और दूसरी जो चीज हमें गिवन है 5m इज इक्वल टू 0.08 वेबर। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले
हम देखें कि हमें N1 N2 कैसे निकालना है। तो अगेन हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर की EMF इक्वेशन को, जो कि है लेट्स टेक द प्राइमरी साइड EMF इक्वेशन। E1 इज इक्वल टू 4.44 F इंटू φm इंटू N1। E1 है हमारा 6600, 4.44 F हमें गिवन है 50 हर्ट्स, और φm हमें गिवन है 0.08 इंटू N1, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां से N1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6600 डिवाइड बाय 4.44 इंटू 50 इंटू 0.08। तो यहां से जो हमें N1 मिलेगा वो मिलेगा 372। ओके, इसी प्रकार से हम N2 को निकाल लेंगे। N2 निकालने के लिए हम फॉर N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, इसके लिए आप सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज करते हैं, कर सकते हैं। E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो हम अगेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यदि यूज करें तो N2 हमें कैलकुलेट करना है। N1 अभी हमने कैलकुलेट किया 372, V2 हमको गिवन है 600, V2 हमें गिवन है 600 डिवाइड बाय V1 हमें गिवन है 6600। यहाँ से सिंपली N2 हमारा आ जाएगा 600 डिवाइड बाय 6600 इंटू 372, विच वुड बी इक्वल टू 34। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। N1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया एंड N2 भी। सो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स आर देयर इफ वी नो द EMF इक्वेशन। यदि हमने हमें EMF इक्वेशन पता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है, तो हम EMF इक्वेशन के किसी भी पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।